हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोग बीएससी लेवल पर सेमेस्टर 6 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो सिलेबस में नेक्स्ट हम लोगों का है वो है हम लोगों का पेपर। उसमें पढ़ना है हमको हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और देयर आफ्टर उसके बाद हाइड्रोडीनामिक्स, ठीक है, हाइड्रोडीनामिक्स। क्लियर है? अब आप देखिए, आप स्टैटिक्स और डायनामिक्स ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जब हम लोग किसी पार्टिकल के लिए या किसी सॉलिड बॉडी के लिए, ठीक है, जब हम लोग डीलिंग करते हैं तो सिंपली स्टैटिक्स और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना है और हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ना है। तो हाइड्रो जनरली लिया गया है कहाँ से? तो हाइड्रोजन बेस से लिया गया है, यानी आप जनरली वाटर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, हाइड्रो, तो यानी वाटर। इन जनरल जो फ्लूड होता है, ठीक है, तो हमको फ्लूड से रिलेटेड जो है स्टैटिक्स और डायनामिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो फ्लूड आपको पता है कि दो तरह का होता है, लिक्विड और दूसरा गैस, ठीक है। इन दोनों को जनरली हम लोग मिला करके फ्लूड बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली जो लिक्विड से रिलेटेड होगा, ठीक है, वो हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा इसका नेम है, स्टैटिक्स की जब बात की जाती है तो इसका मतलब होता है कि हम लोग इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो इक्विलिब्रियम है, जो एक तरह का ठहराव है, ठीक है, उस पर बात किया जाएगा, ओके। तो इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड पर हम लोग बात करेंगे, यानी जो इसमें स्टैटिक होगा लिक्विड, ठीक है, मोशन में नहीं होगा। जब हम लोग डायनामिक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो डायनामिक्स में हम लोग क्या करेंगे, मोशन होगा हमारा लिक्विड का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन और जो थ्योरम वगैरह है उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, जैसा स्टैटिक्स और डायनामिक्स था, ठीक है। तो चैप्टर बाय चैप्टर ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं, जो हमारा चैप्टर आ रहा है वो है फ्लूड एट रेस्ट अंडर ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ तो वो कृष्णा पब्लिकेशन की है ना, जो बुक आपको मैं रिकमेंड करूँगा या जो मैं फॉलो करूँगा वो कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। और राइटर है कौन, ए आर वशिष्ठा, ए के वशिष्ठा, विपिन वशिष्ठा, ठीक है। तो आप इसको वशिष्ठा का बुक बोल सकते हैं, ठीक है ना, वशिष्ठा। वशिष्ठा की बुक आप लेंगे तो इसमें आपको ये सारा मिल जाएगा, ठीक है, ओके। वशिष्ठा ऐसे लिखते हैं, ओके। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक टर्म है, वो टर्म मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग आगे सिलेबस की तरफ चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या टर्म है ये, देखिए यहाँ से, व्हेन वी वांट टू स्पेसिफाई दी ग्राविटी इज एक्टिंग, वी से दैट बॉडी और लिक्विड इज हैवी, ठीक है। देखिए, अक्सर आप दो तरह का नाम सुनते हैं, एक आप नाम सुनते हैं क्या, हैवी लिक्विड, ठीक है, और एक हम लोग सुनते हैं क्या, लाइट लिक्विड, ओके। तो देखिए, जब कोई लिक्विड कॉलम का बात किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी भी जो है बर्तन में कुछ लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है ना, ये जो लिक्विड है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही फोर्स एज्यूम करते हैं, क्या वो है, इसका जो लिक्विड का जो वेट है, ठीक है, जो भी इसका वेट है, एम जी बोलिए, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में क्या, डब्ल्यू, ठीक है, जो इसका वेट है, टोटल वेट है ना, तो उस वेट की वजह से ही हम लोग इसमें फोर्स की कल्पना करते हैं, फोर्स को इमेजिन करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बाय वेट ही एक फोर्स है जो लिक्विड का कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम लोग इस वेट को कंसिडर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हैवी वाटर बोलेंगे, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड, अगर हम लोग ग्राविटी को एक्टिंग नहीं मानेंगे, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, हम लोग लाइट लिक्विड बोलेंगे, ठीक है। तो टर्म है, इसको आप समझ लीजिए, ओके। तो हम लोगों का जो लिक्विड होगा वो हैवी लिक्विड होगा, हम लोग हैवी लिक्विड के लिए ही पढ़ेंगे, यानी हम लोग उसका वेट को, ठीक है, नॉन जीरो लेकर के चलेंगे, ओके। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया डब्ल्यू, तो जनरली जो ये डब्ल्यू होगा, ये जो यूज होगा वो होगा वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है।
तो जो जहां पे जैसा डिफाइंड हो आपको वैसा ही वहां पे काम करना है, ठीक है? ओके, अच्छा चलें देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है हमारा इक्वालिटी ऑफ प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है? अब ये सब चीजें आपको जाननी है, ये सब रिजल्ट है, ठीक है? तो रिजल्ट वाइज हम लोग लेते चलेंगे। सबसे पहले रिजल्ट वन ये हमारा आ रहा है, और इसका स्टेटमेंट होगा ये जो आपको क्वेश्चन के तौर पे दिया जाएगा, ठीक है? क्या है, क्या है? तो रिजल्ट है द प्रेशर इन ए मास ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट अंडर ग्राविटी इज द सेम एट एनी टू पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है? ये आपको याद कर लेना है ना? यानी इसको शॉर्ट में ये बोले तो क्या कि जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये कि हॉरिजॉन्टल लाइन में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, एवरी पॉइंट पे प्रेशर हमारा सेम रहेगा, ठीक है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो टोटल जो प्रेशर होगा किसी भी पॉइंट पे वो सेम होगा, ठीक है ना? ओके, प्रेशर एट इच पॉइंट ऑन ए सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इज सेम, ठीक है? अगर एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन आप कुछ लेते हैं, ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पे आप लेंगे तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा, पी पी पी, ठीक है? ये पहला प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पे बुक से मैं इसको लिया हूँ, ठीक है, थोड़ा आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि जनरली क्या है शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह का रिजल्ट आपसे पूछता है, ठीक है ना, प्रूफ करने के लिए। तो देखिए हम लोग क्या लेंगे, लेट ए बी बी टू पॉइंट्स विद इन द फ्लूड इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए यहाँ पे दिख रहा है फिगर में, ठीक है, एंड लेट ए बी बी होली विद इन द फ्लूड, और पूरा जो है ये फ्लूड के अंदर है, ठीक है, विथ ए बी एज एक्सिस कंस्ट्रक्ट ए सिलेंडर ऑफ वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन एस विथ प्लेन एंड्स परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है? एक सिलेंडर इस तरीके से बना लेना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को लेकर के एक सिलेंडर बना लेंगे, ठीक है, बहुत ही स्मॉल क्रॉस सेक्शन का। लेट पी एंड पी डैश बी द प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है? अभी हमारा दे दिया है कि ए और बी पर जो प्रेशर है वो क्या है, वो है हमारा यहाँ पे पी है और यहाँ पे है पी डैश, ठीक है ना? देन दी थ्रस्ट एट दी प्लेन एंड विथ सफिशियंट एक्यूरेसी आर पी एस एंड पी डैश एस, ठीक है? देखिए थ्रस्ट जो होता है हमारा, थ्रस्ट, ठीक है, थ्रस्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको यहाँ पे आप फोर्स भी समझ सकते हैं, ठीक है ना? ओके, इसका मतलब क्या है, फोर्स, जो जैसे लिक्विड यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेगा, जो फ्लूड है वो जो फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, इस प्लेन ए पर, फिगर में देखिए, और इस प्लेन बी पर, ठीक है, वो फोर्स क्या होगा, चूंकि ये पूरा फ्लूड में डूबा हुआ है, ठीक है, तो एक फोर्स देखिए इधर से लग रहा है, एक फोर्स हमारा इधर से लग रहा है, ठीक है ना, लगेगा ही लगेगा इस पर क्रॉस सेक्शन पर, तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है? अच्छा ये जो थ्रस्ट है ना, ये हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिफाइन करेंगे, ठीक है? अभी इसको हम लोग एक फोर्स से समझिए, ठीक है, एक फोर्स है, ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर हमारा क्या है, सपोज करते हैं यहाँ पे मेरा पी है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एस है, दोनों का क्रॉस सेक्शन हम लोग सेम लिए हैं, इसका भी एस और इसका भी एस, ठीक है? तो एक जगह पे पी एस हो जाएगा जहाँ पे प्रेशर पी है, और जहाँ पे पी डैश है वहां पे पी डैश एस हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए द सिलेंडर ऑफ फ्लूड इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस, ठीक है? अब देखिए चूंकि हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लूड यहाँ पे स्टैटिक है, ओके, तो जो फ्लूड का जो सिलेंडर ऑफ फ्लूड है वो इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है, ठीक है, इसको हम लोग फिजिक्स में देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा लॉ यहाँ पे कंसिडर होगा। तो देखिए नंबर वन कि जो वेट है, ठीक है, द वेट ऑफ सिलेंडर ऑफ फ्लूड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, पहला बात तो ये है कि जो भी इसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। नंबर टू द थ्रस्ट पी एस एंड पी डैश एस एट द प्लेन एंड एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग ए बी,
ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये इधर है ये इधर है, देख रहे हैं ठीक है। और तीसरा ये, द थ्रस्ट ऑन द कर्व सरफेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ए बी रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी वी गेट, ठीक है। तीसरी तीसरा चीज ये है कि जो थ्रस्ट है कर्व सरफेस पर वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी है। तो बात समझिए आप, जब हम लोग ए बी पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ए पर और बी पर फोकस कर रहे हैं, तो एक तो आपका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, ये जो है अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। जो कर्व सरफेस है इसका, जो इसका कर्व सरफेस है उस पे जो थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है वो क्या है, वो है हमारा परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है ना। जाहिर सी बात है आप देखेंगे समझिए अच्छा से, ठीक है। तो ये जो है क्या होगा, रेडियली आउटवार्ड होगा, यानी ए बी से बाहर निकल रहा होगा, ठीक है ना। तो जो कर्व सरफेस पे जो थ्रस्ट है वो परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, तो एलोंग ए बी सिर्फ एक ही बच जाता है, कौन, थ्रस्ट पी एस यहाँ पर और यहाँ पे थ्रस्ट पी डैश एस, ठीक है। तो हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या होगा, पी एस माइनस पी डैश एस इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नेट फोर्स नहीं है। जो नेट फोर्स है वेट, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेट, तो वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो जीरो है। एस एस को कैंसिल करेंगे तो पी और पी डैश क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब है कि प्रेशर एट ए प्रेशर एट बी के इक्वल होता है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा चीज है, इसको आपको कंक्लूड करके एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का फिगर बना दीजिएगा, और अगर आप ये सब नहीं भी लिखते हो टू और थ्री तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फिजिक्स में काफी आसानी से समझ में आती है ये सब बातें। तो सिर्फ हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट कर देना है, तो आप सिर्फ ये लाइन लिखेंगे, रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमको यहाँ से जल्दी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिगर बना करके यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट आप ये लाइन लिख दीजिए, तो आपको फिर ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसको आप हटा सकते हैं और बहुत जल्दी आप इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसमें कम टाइम में खुद से बनाना पड़ता है, ये आप लोग इसमें पहले से अंडरस्टूड है, ठीक है। अब तो यहाँ पे कुछ नोट है, देखिए, द एबव प्रोपोजिशन इन्वॉल्व्स नो अजम्पशन अबाउट द डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, ठीक है। अभी हम लोग डेंसिटी ऑफ फ्लूड पर कोई बात नहीं किए हैं। सो इट इज ट्रू वेदर द फ्लूड इज होमोजीनियस और नॉट, एंड फॉर गैसेज एज वेल एज फॉर लिक्विड्स, द ओनली लिमिटेशन इज दैट इट मस्ट बी पॉसिबल टू ज्वाइन द पॉइंट्स ए बी बाई हॉरिजॉन्टल लाइन लाइंग इन द फ्लूड, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा फ्लूड क्या है, होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। तो हम बस एक फ्लूड के लिए ये रिजल्ट हम निकाले हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा, हर पॉइंट पे प्रेशर आपको इक्वल मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका यूज भी करेंगे, याद रखिएगा। हाँ, तो आपको इसको इस तरीके से कंसिडर करना, ठीक है। चलिए,